आर्त पुकार दयामय अवश्य सुनते हैं। युधिष्ठिर जुए में अपना सर्वस्व हार गए थे। छल पूर्वक शकुनी ने उनका समस्त वैभव जीत लिया था। अपने भाई की अपनों को और रानी द्रौपदी को भी बारी बारी से युधिष्ठिर ने दाव पर रखा। जुआरी की दुराशा उसे बुरी तरह ठगती रहती है। कदाचित अब की बार सफलता मिले, किंतु युधिष्ठिर प्रत्येक दाव हारते गए। जब वे द्रौपदी को भी हार गए, तब दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन के द्वारा द्रौपदी को उस भरी सभा में पकड़कर मंगवाया। दुरात्मा दुशासन पांचाली के केस पकड़कर घसीटता हुआ उन्हीं के सामने ले आया। द्रौपदी रजस्वला थी और एक ही वस्त्र पहने थी। विपत्ति यहीं समाप्त नहीं हुई। दुर्योधन ने अपनी जांघ खोलकर दिखलाते हुए कहा, दुशासन, इस कौरवों की दासी को नंगी करके यहाँ बैठा दो। भरी थी राजसभा, वहाँ धृतराष्ट्र थे, पितामह भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, सैकड़ों सभासद थे, वयोवृद्ध विद्वान थे, शूरवीर थे और सम्मानित पुरुष भी थे। ऐसे लोगों के मध्य पांडवों की वह महारानी, जिसके केश राजसूय के आवृत स्नान से के समय सिंचित हुए थे, जो कुछ सप्ताह पूर्व ही चक्रवर्ती सम्राट के साथ साम्राज्ञी के रूप में भूमंडल के समस्त नरेशों द्वारा बंधित हुई थी, रजस्वला होने की स्थिति में केश पकड़कर घसीट लाई गई थी और अब उसे नग्न करने का आदेश दिया जा रहा था। होने को वहाँ विदुर भी थे, किंतु उनकी बातें कौन सुनता। द्रौपदी ने अनेक बार पूछा, युधिष्ठिर जब अपने आप को हार चुके थे तब उन्होंने मुझे दाव पर लगाया था, अतः धर्मतः मैं हारी गई या नहीं, किंतु भीष्म जैसे धर्मज्ञों ने भी कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथी का बल विख्यात था, उस दुरात्मा दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ ली। मेरे त्रिभुवन विख्यात शूरवीर पति द्रौपदी व्याकुल होकर इधर उधर देख रही थी कि कोई उसकी रक्षा करेगा, किंतु पांडवों ने लज्जा तथा शोक के कारण मुख दूसरी ओर कर लिया था। आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, धर्मात्मा कर्ण, द्रौपदी ने देखा कि उसका कोई सहायक नहीं। कर्ण तो उल्टे दुशासन को प्रोत्साहित कर रहा है और भीष्म, द्रोण आदि बड़े बड़े धर्मात्माओं के मुख दुर्योधन द्वारा अपमानित होने की आशंका से बद्ध है और उनके मस्तक नीचे झुके हैं। एक वस्त्रा अबला नारी उसकी एकमात्र साड़ी को दुशासन अपनी बल भरी मोटी भुजाओं के बल से झटके देकर खींच रहा है। कितने क्षण द्रौपदी साड़ी को पकड़ रह सकेगी? कोई नहीं उसकी सहायता करने वाला। उसके नेत्रों से झड़ी लग गई। दोनों हाथ साड़ी छोड़कर ऊपर उठ गए, उसे भूल गई राजसभा, भूल गई साड़ी, भूल गया शरीर। वह कातर स्वर में पुकार उठी, श्री कृष्ण, द्वारकानाथ, देव देव, गोपीजन प्रिय, जगन्नाथ, इन दुष्ट कौरवों के सभा में मैं डूब रही हूँ, दया में मेरा उद्धार करो। द्रौपदी पुकारने लगी, पुकारती रही। उस आर्तिनाशन असहाय के सहायक करुणारक वक को उसे पता नहीं था कि क्या हुआ या हो रहा है। सभा में कोलाहल होने लगा, लोग आश्चर्यचकित रह गए। दुशासन पूरी शक्ति से वेगपूर्वक द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। वह हाँपने लगा, पसीने से लथपथ हो गया, थक गई थी। 10,000 हाथियों का बल रखने वाली उसकी भुजाएं द्रौपदी की साड़ी से रंग बिरंगे वस्त्रों का अंबार निकलता जा रहा था। वह 10 हाथ की साड़ी पांचाली के शरीर से तनिक भी हट नहीं रही थी, वह तो अनंत हो चुकी थी। दयामय, द्वारकानाथ, रजस्वला,
नारी के उस अपवित्र वस्त्र में ही प्रविष्ट हो गए थे। आज उन्होंने वस्त्र अवतार धारण कर लिया था और तब उन अनंत का ओर छोर कोई पा कैसे सकता है। विदुर, यह कोलाहल कैसा है? अंधे राजा धृतराष्ट्र ने घबरा कर पूछा। महात्मा विदुर ने बताया, दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते थक चुका है, वस्त्रों का ढेर लग गया है, आश्चर्यचकित सभासदों का यह कोलाहल है, साथ ही आपकी ये शाला में श्रृंगाल घुस आए हैं और रो रहे हैं, दूसरे भी बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। द्रौपदी सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र को पुकारने में तन्मय हो रही है, उस सर्वसमर्थ ने अभी तो उसकी साड़ी बढ़ा दी है, किंतु यदि शीघ्र आप पांचाली को प्रसन्न नहीं करते तो श्री कृष्ण का महाचक्र कब प्रकट होकर एक क्षण में आपके पुत्रों को नष्ट कर देगा यह कोई कह नहीं सकता। आपके सभासद तो भय व्याकुल होकर कोलाहल करते हुए दुर्योधन की जो निंदा कर रहे हैं उसे आप सुन ही रहे। धृतराष्ट्र को भय लगा, उन्होंने दुर्योधन को फटकारा। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी छोड़ दी और चुपचाप अपने आसन पर बैठ गया। वह समझे या न समझे, पांडव तथा भीष्म जैसे भगवत भक्तों को यह समझना नहीं था कि द्रौपदी की लज्जा रक्षा कैसे हुई।